रीढ़ की हड्डी हर देश में नहीं होती है। भारत ने तगड़ा वाला झटका दिया है तालिबान को, जिसकी उम्मीद रूस और चीन ने नहीं की थी। पर रूस और चीन ने क्या किया, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर कौन है सास फोर्स जो अब उतरी है अफगानिस्तान में? क्या अमेरिका के अधूरे काम को पूरा करने के लिए उतरी है? तो वहीं आखिरकार पाकिस्तान ने ठोक दिया अपने ही पड़ोसी को और दिया बड़ा जबरदस्त संदेश। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। भारत ने आज दो झटके दिए हैं और ये सिद्ध कर दिया है कि भारत वो देश है जिसके पास अभी भी रीढ़ की हड्डी है। 15 में से 13 देश भारत के साथ आए, लेकिन दो देशों ने भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से दगाबाजी कर दी। जानेंगे ऐसा क्या हुआ है, पर उससे पहले ये जान ले कि भारत ने अपने पड़ोसियों को ये समझा दिया है कि हम किसी भी तरह की छूट वाली मोड में नहीं है और अब तो अफगानिस्तान में जिस तरीके से हालात बदले हैं बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर तालिबान हो या चीन हो या बांग्लादेश ही क्यों ना हो, भारत बहुत अच्छे से समझ गया है कि अगर पाकिस्तान में कट्टरवाद पनप रहा है तो बांग्लादेश में भी पनप रहा है। बॉर्डर पर जिस तरीके से पाकिस्तान पर नकेल कस के रखी है, वैसा ही अब भारत ने बांग्लादेश के साथ भी कर दिया है, जिसमें दो बांग्लादेशी ऊपर चले गए हैं तो एक भारत का जवान भी घायल हुआ है। दो नागरिक बांग्लादेशी ऊपर चले गए, लेकिन भारत ने चेतावनी दी बांग्लादेश की सेना को, क्योंकि बांग्लादेश की सेना की मिलीभगत सामने आई थी। भारत अपने बॉर्डर्स को लेकर कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है, बड़ी सख्ती कर दी है भारत ने पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पे भी और बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पे भी। दो दिन पहले ही ढाका के कमिश्नर ने भारत को ये कहा था कि कुछ अफगानिस्तान के कट्टरपंथी युवा अब कुछ बांग्लादेश के कट्टरपंथी युवा अफगानिस्तान में तालिबान का सपोर्ट करना चाहते हैं और वो घुसपैठ करके भारत के रास्ते वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी सूचना मिलते ही भारत ने अपने बॉर्डर पर बिल्कुल अलर्ट जैसा मोड बना दिया। अब मामला ये हुआ कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के पास जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर 18 से 20 बांग्लादेशी लोग आकर सीधे गोलियां चलाने लगे, जिसके बाद बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो ढेर हो गए और बाकी भाग गए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के पास ये इनपुट था तो बांग्लादेश की बॉर्डर पुलिस क्या कर रही थी? एक दो की संख्या में तो आए नहीं थे ये, 20-20 की संख्या में थे, फिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उनकी मिलीभगत नहीं है? पर आपको बता दें, भारत ने ये जरूर समझा दिया है कि हम सबके लिए समान हैं। खैर, वहीं जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अफगानिस्तान में खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रिटिश सास फोर्स ये अभी भी वहाँ रुकी हुई है। 40 फोर्स के जवान हैं। ये जवान तालिबान को बिल्कुल आश्चर्यचकित कर रहे हैं। ये जवान पूरे साजो सामान हथियारों के साथ रुक गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बटालियन आखिर क्यों रुकी हुई है? ब्रिटेन की ये खास फोर्स अब अफगानिस्तान में क्या कर रही है, जब सारे विमान निकल चुके हैं, सारे लोग वहां से निकल चुके हैं? तो देखो, तो असल में है तीन देश, अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान। यहां पर अमेरिका की डेल्टा फोर्स और ब्रिटेन की सास फोर्स और पाकिस्तान की दिल्ली फोर्स, ये तीनों हैं पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो अफगानिस्तान की सीमा लगता है, वहां पर एक बड़ा यूनिट तैयार कर रहे हैं। यानी पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल होगा, ये तो हम लोग पहले ही समझ चुके थे, पर इसका इस्तेमाल सास और डेल्टा करेगा ये पता नहीं था। अब ये दोनों खास मकसद से अफगानिस्तान में है। अभी इन्होंने ये कहा है कि ये पूरी टीम काम करेगी आईएस को खत्म करने के लिए, यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की जमीन की मदद लेगी और खुद से ये उन चुनिंदा लोगों को ऊपर पहुंचाएंगे जिनसे एयरपोर्ट हमले का कोई वास्ता है। और ये जो ब्रिटिश सास फोर्स इस वक्त रुक रही है, इसकी मदद अमेरिका करेगा, ब्रिटिश फोर्स करेगी, ब्रिटिश वायुसेना करेगी। हर तरीके से इन 40 सैनिकों को पूरी मदद दी जा रही है, ड्रोन सपोर्ट हो, आर्मी सपोर्ट हो, या लड़ाकू विमानों का सपोर्ट हो, या फिर बॉम्बर्स ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या तालिबान रुकने देगा? जब वो अमेरिका के हर एक फोर्स को निकाल रहा है तो तालिबान ऐसा ऑर्डर क्यों देगा? तो तालिबान को भी अमेरिका ने
ये समझा दिया है कि ये लड़ाई हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, इसलिए हमारा यहाँ रुकना है। खैर, ये सिलसिला अभी चलेगा और कहानी अभी अफगानिस्तान में बहुत सारा बाकी है। पर इन सब के बीच भारत ने असल में दिखाया है जज्बा कि कैसे एक सशक्त देश खड़ा होता है। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा था इस खबर को लेकर कि यूएनएससी ने एक प्रस्ताव पास किया था, या ये कहें एक बयान दिया था, और उस बयान में तालिबान को एक आतंकवादी संगठन नहीं माना गया। तब ये कहा जाने लगा था कि भारत अध्यक्ष है इस वक्त, फिर भारत ने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया, ये तो भारत की गलती है, अब तो दुनिया मानने लगी कि तालिबान आतंकी नहीं है। तो आपको बता दें, इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। भारत ने आज यूएनएससी में का आखिरी कार्यकाल था अध्यक्षता का, लेकिन भारत ने धमाल मचा दिया है। और जहां तक पिछले बयान की बात है तो ये बयान सारे देश मिला कर देते हैं। अब उसमें से अधिकतर देश हैं जो तालिबान को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं, ये बहुत बड़ा सच है, इसे जानिए। यहां तक कि अमेरिका भी नहीं मानता है, अमेरिका की लिस्ट में भी तालिबान एक आतंकी संगठन नहीं है। तो फिर कैसे भारत अपने बयान में इस चीज को शामिल करता। पर अब जहां मुद्दे की बात है वहां भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। यूएनएससी में जाते जाते भारत ने बड़ा वाला बम फोड़ दिया तालिबान के ऊपर। भारत ने दरअसल प्रस्ताव पारित करवा लिया, और ये प्रस्ताव में मजे की बात ये है कि 15 सदस्य थे, 15 सदस्य में से 13 सदस्य भारत के साथ आए और 2 सदस्य भारत के साथ नहीं आए। पहले प्रस्ताव जान लीजिए, फिर जानिएगा कि कौन से वो देश थे। यूएनएससी में ये कहा गया प्रस्ताव में कि अफगानिस्तान किसी देश को धमकाने, हमला करने या आतंकवादी को शरण देने या ट्रेनिंग देने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करेगा, वहां आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पहली बार यूएनएससी में यह प्रस्ताव आया और ये प्रस्ताव पास हो गया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के सदस्यों में 13 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 2 सदस्य जिसे आप अभी तक जान ही गए होंगे कि कौन थे, रूस और चीन, इन दोनों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। रूस और चीन इस मीटिंग से ही भाग गए। पर आखिरकार जाते जाते भारत ने तालिबान के खिलाफ प्रस्ताव को पारित ही करवा लिया, जो भारत के लिए बहुत ही सही है, साथ ही साथ तालिबान को एक बड़ा झटका है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने ऐसा करके कोई गलती की है? तालिबान के साथ रूस और चीन अच्छे रिश्ते बनाने चाहते हैं, तो क्या भारत को भी अच्छे रिश्ते बनाकर ही चलना चाहिए, या फिर भारत ने आगे की रणनीति बहुत अच्छे से समझी है कि अभी ही तालिबान को चोट दिया जा सकता है, बहुत बड़ा हो जाने के बाद इसे संभालना मुश्किल होगा। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।